की जल्दी करेंगे सो यह है गाइस, आज हम आए हैं अपने घर के सामने, एक मेला लगा हुआ था वहाँ पे और मेरे साथ है मनी हेस्ट। तो चलिए इस मेला में थोड़ा घूमते हैं और देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो मेले में इंटर करते ही मेरा एक फैन पीछे से आवाज़ दे रहा था, सॉरी मेरा फैन नहीं, मार्वल वाला स्पाइडरमैन का फैन है वो। तो इस तरह हम मेले की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और भीड़ को देख के लग रहा था कि काफ़ी अच्छा रिएक्शन आने वाला है। तभी एक भैया पीछे से हमें आवाज़ देते हैं कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए। वो भैया भी यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे थे। तीन भाइयों से फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम चल देते हैं मेले से आके की और कुछ देर मेले की तरफ बढ़ते ही हमें कुछ लोग घेर लेते हैं और सेल्फी के लिए बोलते हैं। फिर मैं सेल्फी ले ही रहा होता हूँ लेकिन मुझे ये देखकर बुरा लगता है कि मनी हेस्ट को कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। फिर मैं उनको मनी हेस्ट के साथ भी फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलता हूँ। उसके बाद कुछ बच्चे भी हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं ये भाई साहब जो कि मुझे अलग अलग पोज करने को बोल रहे थे लेकिन मुझे वैसा आ ही नहीं रहा था। मेले में हम काफ़ी रात हो गया था लेकिन भीड़ भाड़ अभी भी वैसा ही था जैसा कि हम शुरू में आए थे। फिर कुछ लोगों से हाथ मिलाने के बाद हम चल देते हैं आगे की तरफ। थोड़ा आगे बढ़ते ही कुछ भाई लोग मिल जाते हैं जो कि हमसे हाथ मिलाते हैं और हमारा हाल चाल पूछते हैं। फिर आते हैं ये बच्चे जो कि स्पाइडरमैन से हाथ मिलाना चाहते थे। फिर बेला चानू मुझे खींचकर उन बच्चों के पास ले जाता है। फिर मैं उन बच्चों से हाथ मिलाता हूँ जिससे कि वो छोटा वाला बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हम बिजली वाले झूले में चढ़ने का सोचते हैं लेकिन ये भाई बार बार हमारे वीडियो और फोटोज़ के बीच में आ रहे थे। फिर हमने ये बच्चे से फ़ोटो खिंचवाई। फिर ये आते हैं ये भाई साहब जो कि हमें पूछते हैं कि आयरन मैन कहाँ गया है। उसके बाद झूले वाले अंकल ने हमें झूले में चढ़ने के लिए बुलाया लेकिन मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन झूल के बहुत मज़ा आया। झूला से उतरते ही हमें भैया लोग मिल जाते हैं जो कि हमसे फ़ोटो खिंचवाते हैं और ये फ़ोटो को खिंचवाने वाला सिलसिला जारी रहता है और ये सब देखकर थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था। फिर मिलते हैं ये भाई जो कि अजीबोगरीब पोज दे दे के पागल कर दे रहे थे। फिर हम आ जाते हैं इस बैलून शूटिंग वाले दुकान पे जहाँ 20 रुपये में 5 गोली मिल रहा था लेकिन मेरे सिर्फ एक ही बैलून फूट पाया। फिर हमें एक भैया ने टोरा टोरा झूले में झूलने के लिए बुलाया। मुझे यहाँ मन नहीं था क्योंकि देखने में बहुत बहुत खतरनाक लग रहा था यह झूला लेकिन फिर भी बैठ जाता हूँ। झूला से उतरते ही मेरा सर पूरा घूम रहा था और रात काफ़ी हो गई थी। तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।